गैजेट मैंने आपके साथ जो है करूंगा, कर रखा है मैंने आपके ईमेल में कंटेंट में ही, आप देखेंगे शेयर करेंगे, तो वहाँ ऑफिशियल गैजेट नो यूनिवर्सिटी बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, नो यूनिवर्सिटी कैन डिनाई द क्रेडिट ट्रांसफर। कोई यूनिवर्सिटी मना नहीं कर सकती है कि भाई हम क्रेडिट ट्रांसफर नहीं मानेंगे। कैसे नहीं मानोगे, गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, एमएचआरडी का गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, कोई भी यूनिवर्सिटी मना नहीं कर सकती। अगर उस बच्चे ने जो है एक कोर्स वहाँ से किया, चार क्रेडिट वहाँ से ला रहा है, तो आप मना नहीं कर सकते, ठीक है। तो दीज आर CEC.in, ये यूजी कोर्सेज के लिए, यूजी के आप जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं एक्सेप्ट इंजीनियरिंग, वो आपको यहाँ पर मिलेगी CEC.in में। यहाँ ये इसके नेशनल कोऑर्डिनेटर मिलेगा तो स्वयं में सब, लेकिन ये नेशनल कोऑर्डिनेटर जो डेवलपमेंट की जिम्मेदारी सीईसी के पास है, आप इसकी वेबसाइट में जाएंगे तो यू विल गेट द गाइडलाइंस। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डेवलप सम कोर्स, देन यू कैन, यू मस्ट गो टू दिस वेबसाइट फॉर गेटिंग द थिंग्स डन। NPTEL.ac.in for engineering. NPTEL has got the responsibility. UGC MOOCs for PG non-technical courses. UGC MOOCs has done. I'm developing a course from UGC for UGC on academic writing by this national coordinator. Now, these are some other Indian OER repositories. Shodh Ganga, आप अच्छी तरह जानते हैं. अगेन प्लैगरिज्म इश्यू, शोध गंगा जो है स्वयं प्रभा, इट्स अ टीवी चैनल बेसिकली, अगर आप डाल के देखें कभी फुर्सत हो स्वयं प्रभा देखें, स्वयं प्रभा टीवी चैनल गवर्नमेंट का फ्री DTS चैनल है, इट्स ओपन एजुकेशन, एंड ई शो सिंधु, दीज आर दम साइट्स ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। नाउ व्हाट आई विल सी बिफोर मूविंग, आई विल शो यू द वीडियो, तब उसको वापस आइए, मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो, तब हम एक्टिविटी पार्ट में जाएंगे थोड़ा सा, बट जो भी हम काम करेंगे कि फर्स्ट आई विल शो यू कि IMB जो है IMBX जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट PG कॉलेज में मैनेजमेंट तो शायद ही एक आध कॉलेज में है, मेरे ख्याल से PG है पेपर, बाकी मैनेजमेंट बहुत कम जगहों पर है, और मैनेजमेंट में आप यहाँ बैठे भी, आप कोई कर रहा है बच्चा, उसको भी बता सकते हैं, it's not like that you can go through this. Personal assistant Shillong ki Grace ne swayam se sikha Italian pesto sauce pasta. Surat ki Arushi ne swayam se sikha ek successful business environment ready karna. Anantnag ke Vaseem ne swayam se sikhe literature padhane ke naye tarike. Indore ki Sejal ne swayam se sikhe organic chemistry ke naye reactions. इन सब ने तो स्वयं से सीख लिया, आप कब शुरू कर रहे हैं? अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.swayam.gov.in पर, चुने हजारों मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज में से और सीखें कहीं भी, कभी भी, कुछ भी, बिल्कुल मुफ्त। स्वयं पढ़ें, आगे बढ़ें। अनदर जिंगल्स, दीज आर द सम प्रमोशनल वीडियोस बाय द MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दीज आर फ्री लिंक्स आर देयर, आई हैव आल्सो शेयर्ड द थिंग इन द सेम ईमेल टू यू। सर कहीं दिन सर इतने परेशान क्यों रहते हैं? सर एक प्रॉब्लम है। बताइए। MSc फिजिक्स के स्टूडेंट्स आए और उनके दिमाग ये है कि क्वांटम फिजिक्स के इलेक्ट्रो पेपर ही उन्हें ऑफर हों। ओके। और मुश्किल ये है कि हमारे पास क्वांटम फिजिक्स के टीचर ही नहीं। तो इसमें इतना परेशान होने की कौन सी बात है? स्वयं है ना? स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन MOOC कोर्स जो विदेश के चुनिंदा यूनिवर्सिटी के बेहतरीन प्रोफेसर द्वारा पढ़ाया। तो सर इसकी फीस? ये कोर्सेज बिल्कुल मुफ्त है, और तो और स्वयं द्वारा 20% क्रेडिट ट्रांसफर में पा सकते हैं। क्या बात है सर, इतनी बड़ी प्रॉब्लम का अच्छा समाधान मिल गया। बिल्कुल। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.swayam.gov.in पर, चुने हजारों मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज में से और सीखें कहीं भी, कभी भी, कुछ भी, बिल्कुल मुफ्त। स्वयं पढ़ें, आगे बढ़ें। IMBX EDX पार्टनर, इंडिया से केवल एक ही EDX का पार्टनर है। EDX सबसे बड़ा ओपन कोर्सवेयर बनाने वाली कंपनी है, प्लेटफॉर्म है। IMB has got the collaboration with the EDX.
beauty. Only 26% people are using from India. It is बहुत बड़ी विडंबना है. हमारी नॉलेज का आनंद जो है वर्ल्ड उठा रहा है. आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊंगा, IMBX की वेबसाइट में ही वो एक्टिविटी स्लाइड में आ जाओ. IMBX में अगर आप डालेंगे IIMBX, इसकी वेबसाइट में अगर आप जाएंगे, MOOCs on MOOCs, there is a MOOC on MOOCs, मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज पे एक MOOC है, आप कर सकते हैं उसको, फ्रीली अवेलेबल है. आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे होता है. आप फुर्सत में कीजिएगा उस चीज को, जरूर देखिएगा IMBX से. अगर आप MOOCs के बारे में एक्साइटेड है, अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तब इन दैट केस. बट आई रिक्वेस्ट यू, लास्ट स्लाइड, एक्टिविटी पार्ट नहीं, डोंट जंप. यस, सो आई विल बी, हां, टू बिगिन विद द ओयर्स, सो आई रिक्वेस्ट यू, डू नॉट जंप इन क्रिएटिंग ओयर्स. इट लुक्स फैसिनेटिंग ऑब्वियसली, बट इट नीड्स एफर्ट्स. विदाउट नोइंग द थिंग्स यू कैन नॉट जंप इनटू दैट डोमेन. सो फर्स्ट यूज ओयर्स फॉर फ्लिप्ड एंड ब्लेंडेड लर्निंग, मतलब उस चीज को यूज कीजिए एप्लीकेशन पार्ट में अपने क्लासरूम में. एक बार वो कोशिश कीजिए, पहले ट्राई टू यूज इट, पहले खुद यूज कीजिए, तब स्टूडेंट्स को बताइए. तो देन योर ओवरऑल एजुकेशन विल, देयर विल बी रेडिकल इंप्रूवमेंट. यूज व्हाट्सएप, फेसबुक, लाइक सोशल मीडिया फॉर टीचिंग एंड लर्निंग स्क्रीन एंड सेलेक्ट दिस सुटेबल ओयर्स फ्रॉम यूट्यूब, विकिपीडिया, स्लाइड शेयर, UGC ई कंटेंट एंड शेयर द लिंक विद द स्टूडेंट्स. अच्छा मेथड ढूंढिए, अच्छी लिंक ढूंढिए और उसको शेयर कीजिए बच्चों. एनरिच योर नॉलेज इन एनरोलिंग योर सेल्फ इन स्वयं MOOC. जैसा कि मैंने बताया, पहले खुद कीजिए स्वयं का MOOC. यू विल ऑल्सो, यू विल बी एलिजिबल एंड इट विल बी इक्विवेलेंट टू ए 1 रिफ्रेशर कोर्स. रिमेंबर, इन द रिसेंट गाइडलाइंस 2018 का जो गाइडलाइंस है UGC का, मिनिमम क्वालिफिकेशन वाला, उसमें API तो नहीं कहूंगा, CS में उसके पॉइंट है. CS में उसके रिफ्रेशर कोर्स के बराबर है, घर बैठे आप उसमें कर सकते हैं. दैट एंड एक्स्ट्रा एडवांटेज ऑफ CS एज पर द UGC रेगुलेशन 2018, यू कैन हैव मेक स्मॉल OERs, शेयर द CC लाइसेंस. छोटे छोटे OER बनाइए, उनको कोशिश कीजिए, मेक द प्रपोजल्स फॉर, देन यू कैन मेक द प्रपोजल फॉर डेवलपिंग द MOOCs. What are the major challenges? That lack of users' capacity to access, reuse and share. Language and cultural barrier, जैसे मैंने बताया, language का हमारे यहाँ बहुत बड़ा problem है, क्योंकि MOOC में फिलहाल 99% केस में, जब तक कि वो subject specific नहीं है, संस्कृत का नहीं है या फिर वो नहीं है, तब तक English is the language. Okay? However, it is on cards that when the rerun or will be there, then the course will have good enrollment, then it will be translated into all the regional languages. जो कि जो है हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उनमें वो ट्रांसलेट होने का प्रावधान है, वो नेक्स्ट स्टेज में होने जा रहा है. ठीक है, लैक ऑफ एप्रोप्रिएट पॉलिसी सॉल्यूशन, पीपल आर स्टिल वर्किंग इन आइसोलेशन ऑल्दो कोलैबोरेशन प्रमोटेड. हमारे यहाँ दिक्कत क्या है, रिसर्चर्स या जो लोग काम कर रहे हैं वो अकेले काम कर रहे हैं, कई लोग कोलैबोरेशन का जो है रवायत खत्म होती जा रही है. अवेयरनेस एंड यूज ऑफ अवेलेबल OER रिपोजिटरीज आर सिग्निफिकेंटली लो. लोग जानते नहीं है, ऐसा नहीं कि कैपेबिलिटी नहीं है, पता नहीं है हम लोगों को, अवेयरनेस नहीं है. कम से कम यू आर बीइंग द मेंटर, कम से कम आप बताएं. हो सकता है काफी सीनियर लोग हों वो नहीं कर पाते, वो मैं समझता हूँ सब हमारे ऐसे लोग यंग ग्रुप के लोग हैं यहाँ पर, जो हु कैन यूज दिस थिंग नॉट ओनली फॉर योर स्टूडेंट बट ऑल्सो फॉर योर किड्स, ऑल्सो फॉर योर नेबर्स एंड ऑल दैट, फॉर सोसाइटी इटसेल्फ, बिकॉज इट हैज बीन, द होल सिस्टम हैज बीन डिजाइन फ्रॉम योर ओन मनी, इट इज अ टैक्स पेयर्स मनी, इट मस्ट बी यूटिलाइज फुल्ली. ओके, सो awareness and use of available OER repositories, not much support from employer institution, lack of skills. कहना तो नहीं चाहूँगा पर मुझे भी खुद MOOC बनाने के लिए होस्ट यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट चाहिए था, कि यहाँ से यूनिवर्सिटी से लिखना था कि हाँ वी आर एग्री, वी आर गिविंग द कंसेंट दैट वी विल होस्ट दैट प्रोग्राम. इट टुक मी अराउंड 7 to 9 months टू गेट दैट लेटर ऑफ
एक्सेप्टेंस फ्रॉम होस्ट इशू. मेरे को कहा गया था भाई तुम्हारा हो गया अप्रूव, जब तक तुम्हारे अप्रूवल नहीं आएगा तब तक ये कंसेंट नहीं आएगा, यू विल नॉट बी अवार्डेड. थ्री वाइस चांसलर केम, किसी ने पुटअप नहीं किया. मतलब होता है हर प्रॉब्लम, यू नॉट बिलीव कि आउट ऑफ 800 यूनिवर्सिटीज हार्डली 8 एंड 10 हैव गिवन देयर कंसेंट फॉर क्रेडिट ट्रांसफर मोबिलिटी. हाउएवर यूजीसी इज प्रेशराइजिंग नाउ टू मैंडेटरीली डू दैट थिंग, अदरवाइज दे वोंट बी अलाउड. नाउ I believe in, strongly believe in this thing that who dares to teach must never cease to learn. देखिए learning तो आपको करनी ही पड़ेगी, जब तक हम पढ़ा रहे हैं जिस क्षण तक हम पढ़ाने हैं, learn करना हम छोड़ नहीं सकते, मजबूरी हमारी आई इन इस प्रोफेशन में है. We can't go away, we can't run away from learning. हम student तो जिंदगी भर है, teacher तो बाद में, पहले student है, पहले हमें पढ़ना पड़ेगा, पहले learner है, हमें पढ़ना तो पड़ेगा. Yes. Over 100 years ago, Indian poet and Nobel laureate said, Gurudev Rabindranath Tagore, articulated his vision of the future when he wrote of a world where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free. Understood? Where knowledge is free. And this is the concept. Can OER help us get closer to such a world where knowledge is free? Har cheez ke liye paisa na dena pade, bhai. Mujhe agar ye seekhni hai, to main kyun college mein jaun? Main kyun fees doon? Kya hum aisa world nahi bana sakte hain? जब हर चीज इतनी डिजिटल होगी तो क्यों एजुकेशन में क्यों रिवॉल्यूशन नहीं हो सकता? इन दैट कॉन्सेप्ट वी आर मूविंग ऑन द OER. नाउ एज फॉर द एक्टिविटी कंसर्न, वी विल हैव लिटिल बिट थिंग्स. आई नीड यू टू बी एक्टिव लिटिल बिट दैट इन जो स्लाइड्स है, इट कंटेन्स स्पेशली कोर्सेज ऑफर्ड ऑफ कोर्स कंटेंट ऑफ योर सब्जेक्ट. देखिए यूजीसी के हमने साइट्स की बात की, सीईसी की बात की, इसमें अपना सब्जेक्ट ढूंढिएगा. ये आपको करना है, अपना सब्जेक्ट ढूंढिएगा, उसके कौन कौन से मूव्स हैं उनकी लिस्ट बना के देखिएगा, उनमें कौन सा हमारे को, मेरे को पढ़ाना है, उसमें से अपने को पढ़ाना जो है वो डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िएगा, देखिएगा उसमें कितना मैटर है. ईपीजी पाठशाला, जितने भी लोग पीजी में पढ़ाते हैं, इवन यूजी में पढ़ाने के लिए भी जो मैटर है, वंडरफुल मटेरियल इज अवेलेबल देयर ईपीजी पाठशाला. कंटेंट भी है, वीडियो भी है, बहुत अच्छा है, काफी अच्छा, सारी चीजें आपको एक साथ मिल जाएगी ईपीजी पाठशाला. प्लीज डू रिफर. हाँ ई कंटेंट है, ई कंटेंट हुआ क्या हमारे साथ, ये मैं क्या शेयरिंग की बात कर रहा था ना, ऐसे नहीं भाई साहब, ये नया कंसेप्ट अभी आया. हमारे सीनियर्स जो रिटायर भी हो चुके हैं काफी सालों पहले, उन लोगों ने काफी साल पहले इसको जो है डिजिटल कंटेंट बनाया, ई कंटेंट बनाया, उसका रिनोवेशन लिया और वापस कर दिया. बट ठीक है, किसी को बताया नहीं, ना हो किसी को पता चल जाए, ना चले जो है कल के दिन ये है इसको भी पता चल जाए, ना हो ये पढ़ाने में को जाए. दिक्कत हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, सॉरी टू से हम लोगों को ये चीज मिली है, नहीं बताना नहीं गलत है. हुआ क्या, वो अगर वो लोग होते उस चीज को प्रूव करके, तो हम इस चीज में बहुत पहले आगे हो चुके हैं. हमें पता ही नहीं किया, मुझे बाद में पता चला हमारे कई सीनियर प्रोफेसर जो रिटायर भी हो चुके हैं, उन्होंने ई कंटेंट में बहुत काम किया, उन्होंने उसको बताया ही नहीं. देन आई टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, नो व्हेन आई कैन डू दैट थिंग व्हाई कांट अदर पर्सन डू. सबको पता होना चाहिए, क्वालिटी तभी बढ़ेगी एजुकेशन में जब सबको पता होगा. लेट्स रोल द स्लीव्स, लेट्स कंपीट टुगेदर, कम ऑन डू इट. देखिए क्वालिटी इंप्रूव होगी, हमारा खुद का विकास होगा. मनी डजंट मैटर, मनी तो आ ही जाएगी, डजंट मैटर. इतना मनी है कि कोई आप इमेजिन नहीं कर सकते, पर मेहनत भी इतनी है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते. इसलिए वही एंटर करें जिसमें दम हो, पर कम से कम यूज कर तो आप इजीली कर सकते. तो मेरा कहना यही है कि और उसको शेयर कीजिए, जितना शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं. हमारा नॉलेज बढ़ना है, हमारे बच्चों का दिमाग खुलना है, ओपन अप होना है इसी माइंड में. एक और चीज, tel.colby.org, ये कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग का है, इसमें OER पे एक MOOC वेबसाइट नोट कर लीजिए, tell.colby.org. इसमें MOOC पे 3 घंटे का, ऑलमोस्ट 3 आवर्स का एक कोर्स है. उसके बाद जैसे आप कोर्स करेंगे, कोर्स के बाद आपके लिए एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा जो आपके CV का भी पार्ट होगा. ये कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग का है, छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग का अपना प्लेटफॉर्म है. देन यू कैन हैव दिस सर्टिफिकेट, और इस सर्टिफिकेट करने में जाता हूँ आपको बहुत नॉलेज गेन होगा जो शायद मैं आपको यहाँ भी नहीं बता पाया हूँ. आई माइट नॉट हैव दैट मच टाइम और दैट थिंग दैट टू टेल दोज थिंग्स जो कि यू विल गेट इन दिस कोर्स इन tel.colby.org. एंड प्लीज शेयर दिस सर्टिफिकेट विद मी, आई फील प्राउड दैट आई कुड ट्रिगर सम ऑफ यू. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. There are some references now. Using OER. अब मैं आपको कुछ tricky चीज बताऊंगा, दो चार चीजें और, then we'll be finishing down.
ना आई बी गिविंग सम प्लेटफॉर्म, मैं आपको कुछ कुछ प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जहां पर आप अपने को एनरोल करके अपना छोटा OER बनाकर और यू कैन यूज इट एज इन योर CV फॉर योर स्टूडेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड यू कैन डेवलप दोस्ट. ओके, नाउ मेजर इंटरनेशनल OER रिपोजिटरीज, यूजिंग OER रिपोजिटरी फॉर गेटिंग ई कंटेंट एंड डेवलपिंग द OER एंड सम लिटिल बिट एक्टिविटीज. नेक्स्ट लाइन, 5 R's वी हैव डिस्कस्ड, रिटेन, रीयूज, रिवाइज, रिमेक्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट रिगार्डिंग OER. नाउ फाइंडिंग OER फॉर टीचिंग लर्निंग. नेक्स्ट, these are some major platforms: Google Scholar, Creative Commons, Wikipedia, Moodle, Slideshare, edX and others. So many are there. Khan, जो सलमान खान अकेडमी, खान अकेडमी जिसे कहते हैं, wonderful place. Next. नहीं एक back में please. Yes. So Google Scholar, Creative Commons, Wikipedia, Moodle, Slideshare and edX. And scholarly articles, okay, and you can filter it out. Right. In Google Scholar you will open, if you are having a Gmail, in Google Scholar you can have your own profile, like my profile is there in Google Scholar. If you go, you can see your papers, agar aap research, active researcher hai, then you can have your papers and how many citations are there, you can see there and it will be visible. You make your profile global. आप गूगल स्कॉलर बनाइए, अपना प्रोफाइल डालिए, उसमें अपनी इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट डालिए और उसके बाद देखेंगे तो इट विल बी शोइंग यू, शोइंग द वर्ल्ड अबाउट यू. गूगल स्कॉलर प्रोफाइल, यू मे, यू पुट योर माय नेम इन गूगल, यू कैन सी माय गूगल स्कॉलर प्रोफाइल, यू कैन हैव ऑल माय पेपर्स, पेपर्स लिंक्स ऑफ पेपर्स एंड हाउ मेनी टाइम्स इट हैज बीन साइटेड. नेक्स्ट लाइक इट वुड दे यू दिस विल बी यूजिंग द गूगल स्कॉलर, दिस इज लाइक माय प्रोफाइल, यू कैन क्लिक हियर माय प्रोफाइल हियर देन यू विल हैव दिस प्रोफाइल लाइक दिस. It is the open platform. You can use, you can prepare yourself. अपना फोटो डालिए, अपना इंस्टीट्यूट डालिए, पेपर्स डालिए, कोई दिक्कत नहीं, जो चीज़ है वो डालिए और कुछ नहीं होगा तो कम से कम आपका स्कॉल रहेगा. देन यू कैन सी दी इंडेक्स दैट माई टोटल साइटेशन 1384 एंड माई एच इंडेक्स इज 22. आई विल कम टू नो कि एच इंडेक्स क्या होती है, कि एच इंडेक्स बेसिकली इट इज नंबर ऑफ पेपर्स. कोई बता सकता है एच इंडेक्स, किसी को जानकारी हो क्या होता है एच इंडेक्स? इट इज अबाउट दी रिसर्चर की क्रेडिबिलिटी और रिसर्चर्स की जो यू कैन से बेंचमार्क, इट्स अ बेंचमार्क. इट मीन्स इफ इट एच इंडेक्स इज 22, इट मीन्स एवरी 22 पेपर हैव बीन साइटेड 22 टाइम्स. इन जनरल इन बायोमेडिकल एंड साइंसेस